बनाओ ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्नैक। रेसिपी शुरू करने से पहले हेलो फ्रेंड्स, घर घर की रसोई में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक कढ़ाई या पैन में 1 कप मखाने को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मखाने को इस तरीके से तोड़ के देख लेंगे, जब ये क्रंची हो जाएगा तो इसे निकाल के रख लेंगे। अब सेम कढ़ाई में रोस्ट कर लेंगे 1/2 कप मूंगफली, इसे भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ये मूंगफली भी रोस्ट हो गई है, अब इसे भी निकाल लेंगे। मखानों को निकाल लेंगे एक बाउल में और साथ ही उसमें ऐड कर देंगे मूंगफली। जब ये दोनों चीज़ें ठंडी हो जाएंगे तो इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा प्याज, टमाटर, खीरा, 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले, तो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा नींबू का रस। बस अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस, हेल्दी, नो ऑयल मखाना चाट बनके तैयार है। इस चाट को बनाते ही आप इसे सर्व कर दें, नहीं तो जो मखाने हैं वो सॉगी हो जाएंगे। आप सब भी ये रेसिपी ट्राई करके ज़रूर देखें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।